अब प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी की क्लास सिक्स एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 का है। पिछले वीडियो में हमने प्रेडिसेसर, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, सक्सेसर ये बताए थे। मुझे उम्मीद है बच्चों ने वो समझ लिया होगा, याद कर लिया होगा। अब हम उसी से फिर क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट राइट द नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। तो लिखेंगे, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, संख्या में नहीं लिख रहा। क्वेश्चन नंबर वन है ये, ये हो जाएगा नेक्स्ट थ्री नंबर, लिखेंगे हम नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999 इक्वल टू नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर 10,999। मतलब क्या हुआ इसका, हमें इसके आगे वाले तीन संख्याएं, तीन नंबर लिखने हैं, इसके आगे वाले नेक्स्ट थ्री नंबर लिखा है, नेक्स्ट थ्री नंबर नेचुरल नंबर, तो हमें इसके आगे वाले तीन नंबर लिखने हैं। क्या करेंगे हम, इसमें एक प्लस कर देंगे, इसमें नेचुरल नंबर नेक्स्ट वाला होता है जो एक प्लस करके आता है, तो वन प्लस कर देंगे जीरो आएगा, एक कैरी हो गया, जीरो हो गया, एक कैरी हो गया, जीरो हो गया, एक कैरी आ गया, वन और वन, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर हो गया इसमें 11,000। फिर हो गया इसके आगे वाला, फिर इसमें हम वन प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा 10011, क्या हो गया 11,000। फिर इसमें हम एक प्लस कर देंगे तो 20011, ये हो गया 11,200। ये हमारा आंसर होगा। ओके, ऐसे में नेक्स्ट थ्री नेचुरल नंबर आफ्टर ये, आफ्टर ये बाद में, बाद में क्या मतलब, जैसे हमारा 9 है, 9 के बाद क्या आएगा 10 आएगा, और बिफोर पहले मतलब 9 से पहले 8 आएगा, ये हो गया। तो बिफोर के लिए माइनस करेंगे 1 और आफ्टर के लिए प्लस करेंगे 1, क्लियर। तो हमने इसमें वन प्लस किया, यहां वन प्लस कर दिया, ये आ गया, ये लिख दिया यहां, फिर इसमें हमने यहां वन प्लस कर दिया, ये आ गया, इसको यहां लिख दिया, फिर इसमें हमने यहां प्लस कर दिया इसी को, तो हमारा ये आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विथ द थ्री होल नंबर ओकरिंग जस्ट बिफोर टेन थाउजेंड वन, ठीक है, तो ये कह रहा है जस्ट बिफोर, बिफोर का मतलब माइनस करेंगे, तो इसमें से वन माइनस कर देंगे, लिखेंगे थ्री होल नंबर, थ्री होल नंबर थ्री होल नंबर जस्ट बिफोर टेन थाउजेंड वन, वन टेन्स हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड इक्वल टू, जस्ट आफ्टर के लिए मैंने कहा था प्लस वन करते हैं, और जस्ट बिफोर के लिए वन माइनस करते हैं, इसे वन माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, जीरो
zero 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 eight. Once 10,000, 10,000. Once 10,000, 10,000. ये हो गया 10,000. क्लियर हो गया? अब इसमें से फिर प्रोनाउंस करेंगे 9 कैरी लगे एक, तो यहाँ इसे यहां से कैरी लिया हमने, यहाँ जीरो हो गया या 10 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा या 10 हो जाएगा, या 9 हो जाएगा या 10 हो जाएगा, या 9 या 10, 10 माइनस 1 9, 9 का 9 आ गया, 9 का 9, 9 का 9, ये हो गया 9999. क्लियर हो गया? फिर उसे माइनस करके क्या करें, जस्ट 3 निकालना है, 3 नंबर लिखना है, तो इसे 3 माइनस करेंगे हम, एक क्या हो जाएगा 9, 1 इसे माइनस करना से 8 आया 999, क्या हो जाएगा 9998. ये हमारा आंसर होगा. क्लियर हो गया? नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3, विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. होल नंबर स्मॉलेस्ट सब छोटा कौन सा होता है, तो लिखेंगे 0 इज द स्मॉलेस्ट, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. ये हमारा आंसर होगा. क्लियर हो गया? विच के स्थान पर हम 0 लगा देंगे, बाकी पूरी मैंने बुक से देख के लिखी है, तुम भी ऐसे बुक से देख के लिख सकते हो. मैं फिर रटना नहीं होता, समझना होता है. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी होल नंबर आर देयर बिटवीन 32 एंड 53. बिटवीन का मतलब मध्य में, ये फाइव लाइन हो गई, ये लाइन हो गई, इन दोनों के बीच में क्या क्या है, बिटवीन का मतलब होता है, मतलब दो संख्याओं के बीच में, बिटवीन का मतलब दो संख्याओं के बीच में. तो हमारी दो संख्या है 32 और 53, इनके बीच में कौन कौन से होल नंबर आएंगे वो लिखने हैं, तो लिखेंगे होल नंबर आर देयर, या होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53. कौन कौन से होंगे, 32 से लेके 53 तक, इन दोनों के बीच में लिखना है, इसका मतलब 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 और ये 52. मतलब 32 और 53 के बीच में, 32 और 53 को नहीं देखना, इसको नहीं लगाना दोनों को, इसके आगे वाली संख्या से स्टार्ट करना है और इससे एक कम तक हमें काउंट करना है. तो 32 से आएगा 33 और 53 से पहले आएगा 52. यहां तक हमको संख्या लिखनी है, कितनी और संख्या हमारी है, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. क्या हो गया, 20 हो गया. ठीक है? तो होल नंबर बिटवीन 32 एंड 53 = 20. इन दोनों के बीच में जो हमारी होल नंबर है वो 20 है. क्लियर हो गया? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा. अगर तुम्हारे समझ में कुछ भी चीज नहीं आती तो बेहिचक मैं आज कॉन्टेक्ट नंबर में बता दूंगा, लास्ट में कॉन्टेक्ट नंबर को नोट करो और सीधे मेरे कॉल करो, मैं फोन कर तुमको सारा द्वारा जो डाउट है वो क्लियर कर दूंगा. ओके, अब आता है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है, राइट द सक्सेसर ऑफ, लिखेंगे इसका फर्स्ट है, मैं इसमें से एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं, बाकी अपने आप करना है तुम्हें। फर्स्ट है क्वेश्चन नंबर फाइव का, फर्स्ट लिखेंगे सक्सेसर ऑफ, इसमें संख्या लिखी मैंने कल क्या कहा था, सक्सेसर का मतलब होता है जस्ट आफ्टर, ठीक बाद में आने वाली संख्या, उसके लिए क्या करते हैं प्लस वन, क्या करेंगे संख्या आपने लिख ली जो दे रखी है बुक में, जिसमें प्लस वन कर लिया क्या हो गया टू जीरो सेवन जीरो हो गया, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, चाहो तो तुम कहने का मतलब इसमें होता है कि जो यूनिट डिजिट होता है, क्या है सर यूनिट डिजिट, वन है यहां यूनिट डिजिट या वंस डिजिट, हम इसमें वन को प्लस कर देंगे, तो जब इसमें वन को प्लस करेंगे क्या आ जाएगा टू आ जाएगा, बाकी संख्या सेम रहेगी, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करना, क्लियर हो गया, या हम ऐसे प्लस कर लें बात देखी है। अब उसका मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, जैसे ये सी वाला है, ये वाला हो गया, हम इसका फिक्सरा सी बता रहा हूं, लिखेंगे सबसे इधर और संख्या हमारी वन जीरो उसमें वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव डिजिट नाइन नाइन में, और इसमें प्लस वन करेंगे कैसे, संख्या लिख लो प्लस वन कर नाइन वन जीरो टेन हो जाएगा, एक कैरी हो गया नाइन नाइन और वन कैरी टेन, फिर वन कैरी हो गया फिर जीरो हो गया फिर कैरी हो गया जीरो कैरी जीरो यहां कैरी वन और जीरो वन और वन, ये हमारा आंसर हो गया, क्लियर हो गया। इस तरह से हमने वन डिजिट में यूनिट डिजिट में वन प्लस कर दिया और हमने उसको लिख दिया, तो ये हमारा जस्ट आफ्टर हो गया, जस्ट आफ्टर हो गया, कहने का मतलब सक्सेसर ऑफ ये संख्या ये हो गया, ऐसे नहीं आया, इसमें बी और डी बचा, इनको अपने आप करना करना, तो इनको भी तुमको अपने आप इसको भी करना है, उसके बाद में फिर उनको करो। सिक्स क्वेश्चन है, इसे पूछा प्रेडिसेसर, प्रेडिसेसर के लिए एक माइनस करते हैं तो लिखेंगे, नेक्स्ट का बता रहा हूं फर्स्ट, पहले ए बता रहा हूं सिक्स का ए ही लिखेंगे, प्रेडिसेसर ऑफ 94, प्रेडिसेसर का मतलब जस्ट बिफोर, ठीक पहले आने वाली संख्या आने वाला नंबर, इसके लिए वन माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 94 माइनस वन क्या हो जाएगा 93, हमारा आंसर होगा। यानी ना मतलब वंस डिजिट में से यूनिट डिजिट में से एक माइनस कर देना है, एक कम कर देना है, कम करके हमें संख्या लिख देनी है, बाकी वो डिजिट जो है हमारे उससे बाद वाले टेंस हंड्रेड थाउजेंड वाले वो उनको जैसे जैसे लिख देना है, मतलब एक माइनस करना है, ठीक है। अब इसमें पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर बी, प्रेडिसेसर इक्वल टू, इसमें से भी हम वन माइनस करेंगे, वन माइनस कर दिया तो जीरो से वन ही जाएगा, यहां से कहीं जाएंगे आगे तो यहां आएगा नाइन फिर नाइन फिर नाइन और यह नाइन, ठीक है। जैसे आप बता दू मैं ये हमारा जीरो से वन नहीं माइनस होगा, यहां से जीरो जीरो से कहीं कभी नहीं आता, हमने यहां वन में से कहीं लिया या तो जीरो हो जाएगा, एक कम कर देते कहीं लेने के बाद में यहाँ टेन हो गया, यहाँ नाइन हो जाएगा, जैसे कहीं लेंगे तो यहाँ टेन हो गया, और यहां से कहीं लेंगे यहाँ नाइन हो जाएगा, यहाँ टेन हो जाएगा, जैसे कहीं लेंगे यहाँ नाइन हो जाएगा, यहाँ टेन हो जाएगा,
और 10 से 1 आ गया तो 9 आया, और ये 9 का 9 आ गया, 9 का 9, 9 का 9, और ये 0 है, 0 को नहीं लिखेंगे। क्लियर हो गया? तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन हो गया। एक और बता रहा हूं उसमें मैं, लास्ट सी वाला। सी पहली से सर, और इक्वल टू 1 माइनस करेंगे तो 0 से 1 नहीं जाएगा, 9 से कहीं लेंगे तो 8 हो जाएगा, या 10 हो गया, 10 में से 1 माइनस किया तो 9 आ गया, 8 का 8 आ गया, 0 का 0 आएगा, 8 का 8 आ जाएगा, फिर 0 का 0 और 2 का 2, ये वाला आंसर हो गया। क्लियर हो गया? ऐसे ही जी वाला अपने आप करोगे। और हमारे इसमें दो क्वेश्चन बचते हैं इस चार्ट में, सेकेंड 7 और 8, ठीक है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी तो इनको 1 to 5, 1 to 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहां पर 6 हो गया है, ये 5th है। तो इनको करो ध्यान से, पहले इन्हीं क्वेश्चनों को देख देख के करो, समझ के करो, उसके बाद में रिवीजन, पहले रिवीजन हो गया है, सेकंड टाइम में जब क्वेश्चन करोगे तुम तो 1 to 6 अपने आप बिना देखे करोगे, ठीक है। अगर कोई कहीं डाउट होता है तो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिख लो, ये है 9627313252, ये है 9697313252। इसमें मेरे को शाम को 5 बजे के बाद तुम कभी भी बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी संकोच के फोन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ओके, मुझे उम्मीद है समझ आ गया होगा। और इसका विशेष ध्यान रखो, अगर कहीं डाउट होता है तुम्हें, किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है कोई, तो आप मेरे को 5 बजे के बाद इस नंबर पर कॉल करो, मैं तुम्हारा डाउट क्लियर कर दूंगा।